हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रियांश गैराज। तो दोस्तों, टाटा एल्ट्रॉस काफी ज्यादा डिमांड में रहती है आजकल, बिकॉज इसमें मिलती है आपको ग्लोबल एन कैफ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, अपने सेगमेंट की प्रीमियम एंड सेफेस्ट हैचबैक कार है टाटा एल्ट्रॉस। तो आज पूरा का पूरा डिलीवरी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले। तो डिलीवरी से पहले थोड़ा जान लेते हैं गाड़ी के बारे में। तो अभी आप देख रहे हो टाटा एल्ट्रॉस का एक्सटी डार्क एडिशन वेरिएंट को, जिसकी प्राइसिंग की बात कर लिया है तो 8,16,000 की पड़ती है एक्स शोरूम और 9,25,000 की पड़ती है आपको ये ऑन रोड लखनऊ। वेरिएंट्स आपको काफी सारे इसमें मिल जाएंगे, बट अभी आप इसका एक्सटी डार्क एडिशन मैनुअल वेरिएंट देख रहे हैं। इसमें मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी का ऑप्शन मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ली है तो यहाँ पर आपको पेट्रोल डीजल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, बट अभी आप इसका 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन देख रहे हैं। 85 bhp की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिलने वाला है। 19 तक की माइलेज आपको मिल जाती है पेट्रोल में। गाड़ी के की फॉब की बात कर ली है तो यहाँ पर आपको ऐसी कुछ दोनों की ऑफर की जा रही है, जिसमें पीछे आपको टाटा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प्स करने, उसी के बगल में आपको बूट ओपनिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है। दोनों ही स्मार्ट की ऑफर की जा रही है, बिकॉज इसमें मिलता है आपको कीलेस एंट्री। अब बढ़ते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ। तो ऐसे कुछ आपको फ्रंट प्रोफाइल मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक आपको मिल जाते हैं। इसका जो डार्क एडिशन वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है देखने में। सेंटर मिलता है आपको टाटा का लोगो, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल ऑफर की जा रही क्रोम सराउंडिंग के साथ। लोअर ग्रिल आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगी। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहां मिलता है 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। बम्पर में मिलता है आपको टोइनो का ऑप्शन, जो कि आपको यहां पर मिल जाता है। गाड़ी की नाइट विजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो अगर मैं आपको एक बार जला के दिखाऊं तो ऐसा कुछ आपको थ्रो मिल जाएगा। पूरा का पूरा आपको यहां पर हेलोजन का सेटअप मिलता है, पूरा आप यहां से थ्रो देख सकते हैं। हेलोजन हेडलैम्प्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। साइड में मिलती है टर्न इंडिकेटर के साथ, नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ी से आपको विंडशील्ड ऑफर की जा रही है। ड्यूअल वाइपर विथ ड्यूअल वॉशर का आपको यहां पर सेटअप देखने को मिलता है। रूफ में मिलता है आपको पावर एंटीना। अब बढ़ते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल तक। साइड से देखते हैं टाटा एल्ट्रॉस के डार्क एडिशन वेरिएंट को तो साइड में मिलते हैं आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ऐसे मिलते हैं इनकी प्रोफाइल। सेंटर मिलता है आपको टाटा का लोगो, इतना कुछ आपको सस्पेंशन कंट्रोल मिल जाएगा। टायर स्टेशन की बात करिए तो 195/55R16 का पूरा टायर स्टेशन आपको देखने को मिलने वाला है। गाड़ी के व्हील बेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मिलता है आपको 2501 mm का व्हील बेस, तो काफ़ी बढ़िया आपको स्पेस मिलने वाला है इसके केबिन में। डायमेंशंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 3990 mm की लेंथ मिल रही है, 1755 mm की विथ मिल रही है और 1523 mm की यहाँ पर आपको हाइट ऑफर की जा रही है। तो साइड लुक्स आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एंड इनहेंस लगती है देखने में। फेंडर पर आप देखेंगे तो फेंडर मिलती है आपको हैशटैग डार्क की बैजिंग, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, बॉडी कलर पे आपको ओआरएम्स दिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है आपको। रूफ में पावर एंटीना, बी पिलर आपको ऐसा कुछ ब्लैकआउट, बॉडी कलर पे डोर हैंडल्स। ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो रियर व्हील्स में ड्रम और फ्रंट व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। ऐसा कुछ मिलता है आपको इसका फ्यूल फिलर कैप, 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात कर लीजिए तो ऐसे कुछ आपको रियर प्रोफाइल मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लुक्स आपको मिल जाते हैं। सेंटर में मिलता है आपको हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, साइड में ऐसे कुछ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, वोकल फॉर लोकल का स्टीकर, डिफॉगर वाइपर आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जा रहा है। टाटा का लोगो आपको सेंटर मिल जाता है, उसी के नीचे अल्ट्रॉस की बैजिंग, रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट, नीचे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी के टेल लैंप्स की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको हैलोजन टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ मिलता है आपको इनका थ्रो। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, रिवर्स लाइट प्लेसमेंट आपको इसमें मिल जाती है, नीचे मिलता है आपको रिफ्लेक्टर्स। अब बढ़ते हैं गाड़ी की पैसेंजर सीटिंग तरफ। अंदर से बैठ के सारे फीचर्स को वन बाय वन कवर करते हैं तो ऐसे कुछ आपको इनसाइड ब्लैक कलर पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, इनको आप ओपन कर सकते हैं। डोर ट्रिम की बात करें तो पूरा का पूरा आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। ऐसा कुछ मिलता है आपको यहाँ पर पास में डोर ओपनर, उसी के बगल मिलता है आपको टोटल की प्लेसमेंट, नीचे पावर विंडो कंट्रोल, थोड़ा स्पेस, बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट। अंदर आपको स्पेसिस कैबिन मिलने वाला है, काफ़ी बढ़िया आपको सेटिंग मिल जाती है। 2 हेडरेस्ट मिल रहे हैं एडजस्टेबल, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे, पूरी सेटिंग आप देख सकते हैं। रेयर में आपको आर्मरेस्ट भी दिया जा रहा है, काफ़ी बढ़िया आपको सेटिंग मिलने वाली है। बैठते हैं जरा गाड़ी के अंदर। मेरी हाइट 5'11" के आसपास है, आपको इतना कुछ लेग स्पेस मिल जाएगा रेयर में। रेयर में आपको आर्मरेस्ट भी दिया जा रहा है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। अब बढ़ते हैं गाड़ी की ड्राइवर सीटिंग तरफ। तो ऐसे कुछ मिलता है आपको डोर हैंडल्स, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, बिकॉज इसमें मिलती है आपको कीलेस एंट्री।
मैट ब्लैक फिनिश में आपको डोर्स मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ मिलता है आपको, डोर ओपनर, ट्विटर की प्लेसमेंट, वॉल्यूम कंट्रोल, पावर विंडो के सारे कंट्रोल, फ्रंट में इतना कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा। पूरी सेटिंग का आप देख सकते हैं, दो हेडरेस्ट मिले आपको एडजस्टेबल, हाइट एडजस्ट, रिक्लाइन, दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, फ्यूल ओपनर। ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद ऐसा कुछ नजर आने वाला है फ्रंट डैशबोर्ड, पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, ब्लैक फिनिश। आगे विजिबिलिटी की बात करिए तो काफी बढ़िया मिलती है आपको, ऐसा कुछ मिलता है आपको क्रशर, तो यहां पर आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जा रहा है, सारी चेक लाइट्स आपको मिल जाती हैं। बीच में मिलती है आपको MID, 220 तक की आपको टॉप स्पीड देखने को मिलने वाली है, ट्रिप ए ट्रिप बी रेंज वाले सभी कुछ यहां पर आपको मैटर करता है। स्टीयरिंग की बात कर ली जाए तो ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग मिल जाएगा, सेंटर मिलता है आपको टाटा का लोगो, यहां मिलता है आपको मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स, यहां पर मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग के पीछे मिलता है आपको वाइपर्स कंट्रोल, राइट साइड मिलता है आपको हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स। सेंटर की बात करिए, सेंटर मिलता है आपको 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सबकी कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली, प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको मिलता है हार्मन का, नीचे मिलता है आपको दो एसी के वेंट, सेंटर में हेडलाइट का बटन, नीचे आपको अल्ट्रॉस की बैजिंग, एसी के सारे कंट्रोल्स, उसी के नीचे मिलता है आपको USB सॉकेट एंड 12 वॉट का सॉकेट, थोड़ा स्पेस। अभी आप देख रहे हैं उसके 5 गियर मैनुअल स्पीड ट्रांसमिशन को, मैनुअल हैंडब्रेक्स, दो कप होल्डर्स, साइड में मिलता है आपको इतना कुछ स्पेस। ऊपर की बात के लिए साइड में ग्रैब हैंडल, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, सेंटर में वाइट लाइट, थोड़ा स्पेस, मैनुअल डे नाइट IRBM। तो यही था इसके अंदर का ओवरऑल पूरा इंटीरियर। अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर, लेते हैं गाड़ी की डिलीवरी को, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा डिलीवरी एक्सपीरियंस, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा, वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक कर देगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू SRM मोटर्स स्टेशन रोड 4 बाग लखनऊ, जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी टाटा कार्स, विजिट दिस शोरूम, साइड डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मैं प्रिंसिपल, तो आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।